कैसे हैं आप? और जो आज हम हिंदी में करने जा रहे हैं, फिर से एक बार स्वर। स्वर रू से ऋषि, ए से एडी और ए से एन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने चित्र है रू से ऋषि का, ए से एडी और ए से अंक ए, और यहाँ है ए से एन। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर मैंने कुछ लाइन दोरी है, ड्रॉ की है। चलो अब हम सबसे पहले इस तरह से, आप देख रहे हैं, आधा सर्कल मैंने किया है। फिर यहाँ से नीचे एक स्लाइडिंग लाइन मैंने तीसरी लाइन, फिर उसे सीधी लाइन से जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से ऊपर जाके गांठ लगा के बाहर आना इस तरह से। ये हो गया ऋषि ऋषि, इसे ऊपर आड़ी लेंगे ऋषि ऋषि। फिर ए से एडी, सीधे लाइन लेके नीचे की तरफ जाना है। यहाँ देखिए हल्का सा मोड़ देना है, ऊपर से सीधी लाइन करके अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ए से एडी, ए से अंक एक, और आगे फिर से एक बार देखते हैं ए से एन। फिर से सीधी लाइन जोड़ के नीचे की तरफ हल्का सा मोड़ देना है, और वापस एक सीधी लाइन अंदर की तरफ, सीधी लाइन जोड़ के माथे पे खाक को ऐ की मात्रा देनी है, ऐसे ऐना, ऐसे ऐरावत, ऐसे ऐना। फिर से एक बार देखिए, ये जो बीच की लाइन है यहाँ से आपको आधा सर्कल करके नीचे एक तिरछी लाइन करनी है, और इसे सीधी लाइन जोड़ देनी है। फिर हमें दूसरी तरफ एक सीधी लाइन यानी एक तिरछी लाइन लेके गांठ लगानी है, नीचे आना है। ये है ऋषि ऋषि, इसे लेके सीधी लाइन नीचे की तरफ जाओ, हल्का सा अंदर मोड़ दो। ऐसे एडी, और फिर से एक बार ऐसे इधर के लिए फिर से ऐसे एडी के जैसे बनाना है, और माथे पे ए की मात्रा। तो ये था आज का हमारा स्वर ऋषि ऋषि, ऐसे एडी और ऐसे ऐना, ऐसे एना। बच्चों इसे आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में